आज बनाया है मैंने ऐसा जुगाड़ जिससे आप अपने हेलमेट में एक्शन कैमरा भी लगा सकते हो और प्लस में अपना मोबाइल भी लगा सकते हो, पर दोनों अलग अलग टाइम। वेलकम टू द हेल्थ ऑफ मेवात, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ ऑफ मेवात में। एक्शन कैमरा का जब आप सेट खरीदते हो तो उसमें एक्सेसरीज तो आती ही हैं, तो उनमें से एक एक्सेसरीज आपकी जो है ये वाली है, ये वाली। तो इस तरह की एक्सेसरीज आती है, इसमें एक बोल्ट, बीच में बोल्ट कसने का ऑप्शन भी होता है, प्लस में एक ये होता है, ये वाला पार्ट तो आप देख रहे हो, तो ये जो है इसके ऊपर कुछ इस तरह से सेट हो जाता है, एग्जैक्टली ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको 10 नंबर का बोल्ट चाहिए और उसमें ढिबरी लगी हुई होनी चाहिए, प्लस में दो वाल्सर जो हेलमेट के अंदर की तरफ और हेलमेट के बाहर की तरफ दोनों तरफ लग जाए। और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर बीच में ये 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसको काट लिया, तो ये मैंने इसके ऊपर कस दिया हेलमेट के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने। मेरी राय तो एक ये होगी कि आप इसमें कोशिश करें अपना पुराना हेलमेट यूज़ करें, जो कोई पुराना हेलमेट आपके पास रखा हो, जस्ट इसी जगह पर यहाँ पर एक छेद करना होगा आपको छोटा सा, तो छेद करके वो छेद कम से कम इतना हो कि 10 नंबर का बोल्ट उसके अंदर आ जाए। क्या है कि 10 नंबर के बोल्ट को आप अंदर की तरफ लेके जाओगे कुछ इस जगह पर, तो मेरा तो यहाँ से खुल जाता है, बाकी आपको कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ से खुलना पड़ेगा, और जब कम्प्लीटली आपका ये सेटअप सेट हो जाए तो यहाँ पर इसको आप ग्लू से या किसी चीज़ से चिपका देना, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही कर देना जैसे पहले था, और इस पार्ट को कुछ आपको इस तरह से इसमें सेट कर देना ऊपर की तरफ से ऐसे। दूसरा पार्ट एक्सेसरीज में आपको एक और मिलेगा, वो ये वाला पार्ट है, परमानेंटली यहाँ पर ये कस देना, ये सेटअप आपका एक अलग बन जाएगा। तो एक ये वाला पार्ट होगा, ध्यान से देखना, तो इसमें एक ये अंदर एक डिग्री होती है छोटी सी, फिर आपको ये वाला पार्ट लगाना है इसके ऊपर, यहाँ पर ये सेटअप सेट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा। तीसरा टूल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और अब एक है ये मोबाइल होल्डर, तो मैंने इस पर अपना एक अपने चैनल का लोगो जो है चिपकाया हुआ है, यहाँ पर ये कस जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से इसको कस लेना, ये ऐसे कस जाएगा, ठीक है। पहला होल्डर ये है, उसके बाद ये है, फिर बोल्ट है, फिर उसके बाद ये है, ठीक है। तो इससे क्या है कि हम इसको ऊपर नीचे जो है कर सकते हैं, और लेफ्ट राइट भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो आपको ये यहाँ पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट रोक करके जो है कस देना है। ये टूल में ही आता है, ये भी टेप होती है एक तरह से, तो ये वापस ऐसे करके लग जाती है, इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ ऊपर से। इससे क्या है कि अगर आप लेफ्ट राइट एकदम से नज़र एकदम से देखोगे तो मोबाइल जो है आपके होल्डर में से नहीं निकलेगा, वो गिरेगा नहीं, तो काफ़ी 90% तक जो है वो आपका मोबाइल जो है सेफ हो जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद ये टेप जो है ऊपर से उस मोबाइल के ऊपर से कुछ इस तरह से कस जाए, ठीक है। तो जब भी आपका मन करे तो इसको यहाँ से खोल लो, और उसके बाद अपना ये एक्शन कैमरा का जो कवर है, यहाँ पर इसके 10 नंबर का हिस्सा दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर इसको खोल करके इसको यहाँ पर कस सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें एक्शन कैमरा और मोबाइल दोनों आप कनेक्ट कर सकते हो। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। मेरे घर के पीछे एक छोटा सा पहाड़ है, नेचर है थोड़ा सा यहाँ पर, तो यहाँ रिकॉर्डिंग करके थोड़ा सा देखते हैं कि क्या किस तरह के शॉट आते हैं। जब आप रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो तो ये रिकॉर्डिंग उसी फ़ोन की है जो मैंने इस हेलमेट में लगाया हुआ है। तो मेरे राइट साइड में यहाँ पर नेचर है, मेरे बैक साइड में बहुत बड़ा पहाड़ है, तो इक्का दुक्का यहाँ से लोग निकल के जाते हैं, यहाँ भीड़ नहीं रहती ज़्यादा, तो यहाँ की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। अच्छा, फ़ोन में माइक वगैरह का सिस्टम ये सब कुछ तो होता ही है, ये आप लोग जानते ही हो, तो ये मेरे घर के बैक साइड का व्यू है जो आप इस रिकॉर्डिंग फ़िलहाल देख रहे हो। यहाँ पर रेलवे लाइन निकल रही है, इसका काम चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ निकल रही है इसकी रेलवे लाइन जो सीधा इस पहाड़ को क्रॉस करते हुए इसके ऊपर से जाएगी, तो पुल काफ़ी बड़ा पुल बनेगा
जो वहाँ से लेकर के निकल के यहाँ तक इसके ऊपर से निकल के जाएगा। मैं चलाते चलाते इधर उधर भी देख रहा हूँ, थोड़ा सा झटके से भी देख रहा हूँ जिससे मोबाइल गिरे ना, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर झटके मार के भी देख रहा था। तो मेरी नज़र में काफ़ी हद तक पास हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम मैं अब जो रिकॉर्डिंग करूँगा, क्योंकि मैं एक छोटा सा एक्शन कैमरा था मेरे पास, तो मैं उसको सेल कर रहा था इसीलिए, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती थी क्योंकि दोनों की रेजोल्यूशन में फ़र्क था। तो एक्शन कैमरा का जो आप सेट लेते हो उसमें ये टूल आते ही हैं, बस आपको सेटिंग करने की ज़रूरत है। और एक ज़रूरी बात थी कि आप कोई अपना स्पेशल हेलमेट, कोई अच्छा सा हेलमेट हो, अच्छी क्वालिटी का महंगा हेलमेट हो, तो उसको ख़राब ना करें। नॉर्मली कोई दूसरा हेलमेट अगर आपके पास हो, एक्स्ट्रा में कोई हेलमेट हो, तो उस हेलमेट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये रिकॉर्डिंग, ये सेटिंग और ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आपके जैसे जो भी भाई हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं तो उनको आप ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हो। जिनके पास हाई क्वालिटी का एक्शन कैमरा नहीं है तो वो इस तरह की सेटिंग करके अपना जो है मोबाइल को हेलमेट में कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपकी ब्लॉग की जो क्वालिटी और जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छे से आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।